ठीक है। और एक मुक्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मुझे अपने बीच में बिठा लो, मुझे आइए ऐसे वर्ड करो कि मुझे अपने बीच में बिठा लो, मैं कौन सा तुम्हारी बात काट दूंगा। मुझे अपने बीच में बिठा लो, मैं कौन सा तुम्हारी बात काट दूंगा। थोड़ा प्यार हमसे भी कर लो, लक्ष्मण थोड़ी हूँ जो तुम्हारी नाक काट दूंगा। तो मुझे अपने बीच में बिठा लो, मैं कौन सा तुम्हारी बात काट दूंगा। थोड़ा प्यार हमसे भी कर लो, लक्ष्मण थोड़ी हूँ जो तुम्हारी नाक काट दूंगा। और एक ना वैसे एक मेरे को मसला याद आ गया, वैसे वो सुना देता हूँ कि एक राह पर एक व्यक्ति खड़ा था, तो दूसरा व्यक्ति आकर के उससे पूछता है, भाई साहब टाइम क्या हुआ है। तो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद दोबारा फिर पूछता, भाई साहब टाइम क्या हुआ है। दो तीन बार पूछता, नहीं बोलता था, वो फिर चला जाता है। वो एक रास्ते में से दूसरा आदमी वहाँ से गुजर रहा होता था, कहता है, भाई साहब तुमने ये टाइम पूछ रहा था, तुमने बताया क्यों नहीं। कहता है, रहने दे भाई, झगड़ा हो जाना सी। तो एक और सुना देता हूँ कि ये थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करना, कि चौकीदार पे चौकीदार बिठा रहे हो, चौकीदार पे चौकीदार बिठा रहे हो, पहले गाल पर तिल और फिर गेट पर कुत्ता बिठा रहे हो। सुनिएगा, गालों का जो तिल है वो उसके हुस्न का चौकीदार है, और गेट पर जो कुत्ता है वो उसके घर का चौकीदार है। तो सुनिएगा कि चौकीदार पे चौकीदार बिठा रहे हो, पहले गाल पर तिल फिर गेट पर कुत्ता बिठा रहे हो। सुनो, मैं आऊँगा तुमसे मिलने, तुम्हारे गेट से नहीं, तुम्हारी छत के जीने से। सुनो, मैं आऊँगा तुमसे मिलने, तुम्हारे गेट से नहीं, तुम्हारी छत के जीने से। और अपने उस कुत्ते को बांध के ही रखना, नफरत है मुझे इस कमीने से।